मॉर्निंग बच्चों, मैं इज़्ज़त बानो लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से क्लास टेंथ सब्जेक्ट उर्दू के लिए आज मैं आपको नस्र से चारपाई सबक चारपाई जो कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है, ये मजमून उनका है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम रशीद अहमद सिद्दीकी के हालात जिंदगी के बारे में बताते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी मौजा मड़ियाओं जिला जौनपुर यूपी में 1892 में पैदा हुए। उनकी इब्तदाई तालीम जौनपुर में हासिल हुई, उसके बाद अलीगढ़ में एमए करने के बाद मुलाजिम हो गए। सारी जिंदगी अलीगढ़ में गुजारी। जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और शोबे उर्दू का बाकायदा कयाम अमल में आया तो रशीद अहमद साहब को उसके सदर बना दिए गए। अलीगढ़ मैगजीन में उनके मजाहिया मुजामिन शायर होते थे और बहुत पसंद किए जाते थे। उनकी नस्र में तंज का भरपूर वार होता था। रशीद अहमद सिद्दीकी की अदबी खिदमत के एतराफ में हुकूमत हिंद ने 1963 में उन्हें पद्मश्री का एजाज अता फरमाया और उनको साहित्य अकादमी के अवार्ड से भी सरफराज किया। 1977 में अलीगढ़ में रहलत फरमाई। उनकी तसानीफ मुजामिन रशीद आशिकता बयानी मेरी हम नफसान रफ्ता वगैरह ये काबिले कद्र। अब जो हम मजमून हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज़ेल मजमून का चारपाई उनकी अदबी ज़राफ़त का दिलचस्प नमूना है। तो ये हमने आपको रशीद अहमद सिद्दीकी के जो हालात जिंदगी को बताया है, ये आप अच्छे से पढ़ेंगे याद करेंगे, ये बहुत आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।